एस न्यूज सच का साथी। शनिवार को रिश्ता दरबार में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन किया गया। इसके लाभ भी लोगों को बताए गए। शनिवार को मुख्य अतिथि सांसद इंद्र मिश्रा, विशिष्ट अतिथि विधायक पलटू राम, कैलाश नाथ शुक्ला, भाजपा के नेता विनय तिवारी, सहायक निदेशक परिमंडल लखनऊ बीएन मिश्रा, सहायक अधीक्षक रमण गोंडा, अशोक कुमार सोनी ने दीप प्रज्वलन तथा मुख्य शाखा पर फीता काट कर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि ने कहा कि ग्रामीण शहर में बैंक से पैसा निकालने नहीं आ पाते, उन्हें इसका लाभ मिलेगा, उनको अपने दरवाजे पर पैसा मिल सकेगा। इस अवसर पर सहायक अधीक्षक बलरामपुर पीसी त्रिपाठी, निरीक्षक डाकघर उतरौला अमिताभ मोहन पांडे, परिवार निरीक्षक गोंडा गंगाराम, पोस्ट मास्टर बलरामपुर अनिल कुमार वर्मा, राजू कुमार मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष ब्रजेंद्र तिवारी, पंकज मिश्रा, सुजीत शुक्ला, आकाश पांडे, आशु मिश्रा, दिनेश गुप्ता, प्रकाश दुबे, ऋषि देव मिश्रा, विवेक पांडे, सचिन मिश्रा, विक्रांत दुबे, पवित्र मोहन शर्मा, दिलीप चंद्र यादव, कुलदीप चंद्र त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की समस्याओं को समाधान करने में सफल होंगे और नेट बैंकिंग जो हमारे प्रधानमंत्री कैश के लेन देन से भ्रष्टाचार का जन्म होता है और जो हमारे प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने में जी हाँ जी हाँ। ये हमारी दोनों की पुरानी और प्रस्तुत विश्वसनीय संस्था है हमारे डाक विभाग और कालांतर में सही है जैसे जैसे संचार क्रांति आती गई जो है डाक विभाग अप्रासंगिक सा होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको एक पुनर्जीवन प्रदान करने का काम किया गया है और निश्चित रूप से इससे डाक विभाग की प्रसंगिकता भी बढ़ेगी और आम जनमानस को इसका लाभ मिलेगा।